दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर सऊदी अरब के प्रिंस के किस फैसले पर इस्लामिक संगठन आग बबूला हो रहे हैं? क्या है भविष्य का ब्लूप्रिंट जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पेश किया है? क्यों हो रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर विवाद? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, बस लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद सलमान की, जो महज 36 साल के हैं। ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, जो लास्ट 5 ईयर्स से मुल्क की बागडोर संभाले हुए हैं। आपको शायद ही ये मालूम हो कि सलमान को पश्चिमी देशों में MBS के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इनके पिता की, तो 2019 के बाद ये एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे थे। सत्ता बेटे के हाथों में देने के बाद जैसे ये गायब ही हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं सऊदी के इस प्रिंस की पर्सनल लाइफ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन्होंने सऊदी अरब की सारी बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। आए दिन अपने नए नए फैसले के कारण ये सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें कि अभी तक किसी ने भी सलमान की बीवी को नहीं देखा है, ना ही उनको कभी सोशल मीडिया पर या किसी इवेंट में देखा गया है। कहा जाता है कि सलमान की बीवी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कभी भी वह सोशल मीडिया पर सामने नहीं आई है। दरअसल प्रिंस सलमान अपनी फैमिली को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं। सलमान की फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS राजधानी रियाद के सेंटर में एक शहर का निर्माण करने जा रहे हैं, जो न्यू मुरब्बा हाईटेक शहर के नाम से जाना जाएगा। यह उनके ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 का हिस्सा है। इस प्रपोज्ड शहर का सऊदी अरब की सरकार ने वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इस हाईटेक सिटी की खासियत और बड़ी इमारत के बारे में बताया गया है। लेकिन इस इमारत के ढांचे पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, खासकर मुसलमान इसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और सऊदी अरब सरकार की निंदा कर रहे हैं। असल में उनका कहना है कि यह बिल्डिंग उनके पवित्र धार्मिक स्थल मक्का से मिलती जुलती है, इसलिए सारे मुसलमान इस बात के खिलाफ हैं। वह इसकी रजामंदी नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कोई बिल्डिंग बनकर तैयार हो। दरअसल शहर के बीचों बीच सेंटर में बनने वाली इस इमारत का नाम होगा मुकाब, और अरबी भाषा में मुकाब और काबा का एक ही मतलब है, घनाकार आकृति। कुछ मुसलमान लोगों ने तो इस बात के लिए सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ा दी है कि सऊदी के प्रिंस ने अपने लिए एक अलग काबा का निर्माण कर लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने गुरुवार को ही न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी के लॉन्च का ऐलान किया था। इसके तहत रियाद में दुनिया की सबसे हाईटेक सिटी बनाई जानी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुकाब नाम की यह विशाल काय इमारत मील का पत्थर साबित होगी। इसमें सभी तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह 400 मीटर लंबी, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर ऊंची होगी। यह न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी 20 बिल्डिंग के बराबर होगी। सऊदी प्रिंस के इस प्रोजेक्ट की सभी मुसलमान निंदा कर रहे हैं, कोई भी उनके इस फैसले से खुश नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल हमीदी ने ट्वीट कर लिखा है कि क्या रियाद में मोहम्मद बिन सलमान खुद का काबा बना रहे हैं? इस डिजाइन को उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए तय किया है। आखिर क्यों गुस्सा कर रहे हैं मुसलमान? दोस्तों, मजहब से या उससे जुड़ी चीजों को लेकर मुसलमान हो या कोई भी धर्म के लोग, सभी सम्मान की दृष्टि से अपने धर्म को देखते हैं और उनसे जुड़ी कोई भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। शायद यही कारण है कि मकाब की डिजाइन को लेकर मुसलमान इतना भड़क उठे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि मकाब की इस बिल्डिंग की डिजाइन उनके पवित्र स्थान काबा से मिलती जुलती है। उनका मानना है कि धर्म का स्थान एक ही होता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और अगर प्रिंस ऐसी किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ अगर सऊदी अरब के प्रिंस की माने तो ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो 2030 में बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे सऊदी अरब को 40 से 50 अरब डॉलर तक का फायदा हो सकता है। इससे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगा। इससे आने वाले समय में लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे, साथ ही दूसरी समस्याओं का भी खात्मा होगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी सॉवरेन वेल्थ फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को दी गई है। इसके अलावा सलमान के कार्य की बहुत से लोगों ने सराहना भी की है और कहा है कि इनके नेतृत्व में किए गए कार्यों से काफी सुधार आ रहा है। इनके द्वारा रूढ़िवादी मुल्क से आधुनिक देश बनाया जा रहा है। क्राउन प्रिंस सलमान ने साल 2016 में सन 2030 से पर्दा उठाया और उन अधिकारियों के बारे में बात की जिनके बारे में आज तक किसी ने जिक्र तक नहीं किया। इसके अलावा किंग सलमान ने लोगों के कपड़ों को लेकर भी उदारता दिखाई। उनके पहनावे को भी उन्होंने ठीक किया। जो भी पाबंदी महिलाओं पर लगाई गई थी उन सबको हटाया, साथ ही उनके मौलिक अधिकार भी उनको प्राप्त हुए।
इन सब के साथ साथ एमबीएस ने लोगों के ऊपर जो धार्मिक रोक लगाए गए थे उन सब में सुधार किए, सबके मौलिक अधिकारों से उनको अवगत कराया। साथ इन्होंने इजराइल से अपने संबंधों को ठीक करने की भी आशंका जताई। इन्होंने अमेरिका मैगजीन द अटलांटिक को इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी एमपीए यानी सऊदी प्रेस एजेंसी पर 3 मार्च को प्रकाशित किया गया है। द अटलांटिक से एमबीएस ने इस्लामिक कुरान, इजराइल और अमेरिका समेत तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात की है। सलमान ने कहा कि दुनिया में हर देश की स्थापना उनके अधिकारों के आधार पर है। ये सभी अपने अपने धर्माधिकारियों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। यही हमारी आत्मा है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो देश नष्ट हो जाएगा। हमारे लिए सवाल ये है कि सऊदी अरब को विकास और आधुनिकीकरण के लिए सही रास्ते पर कैसे लाएं। मोहम्मद बिन सलमान की संपत्ति। चलिए अब इनकी संपत्ति पर नजर डालते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की कुल संपत्ति 737.60 खरब है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उनके पास 95 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति है। अगर किसी व्यक्ति के पास इतने सारे पैसे होंगे तो उनकी लाइफस्टाइल स्वाभाविक ही शानदार होगी। प्रिंस मोहम्मद अपने फिजूल खर्ची के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने 500 मिलियन डॉलर की यॉच, 300 मिलियन डॉलर का फ्रेंच महल और 450 मिलियन डॉलर की लियोनार्डो द विंची पेंटिंग खरीदी है। एक अनुमान के मुताबिक सऊदी के शाही परिवार, जिसके लगभग 15,000 सदस्य हैं, इनके महल की कीमत 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक है। कहा जाता है कि सलमान पूरी तरह से देश को तेल पर निर्भर नहीं रखना चाहते, इसलिए नए नए कारोबार को खोल रहे हैं जिससे कि लोगों को काम मिल सके। कहते हैं कि जब सलमान छोटे थे तो उन्हें बहुत सारे महंगे गिफ्ट मिला करते थे। उन्होंने अपने गिफ्ट्स को बेचकर 77.58 लाख रुपए जोड़े और उसे शेयर बाजार में काम करना शुरू किया। उससे हुए मुनाफे से उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली। इसके साथ साथ उन्होंने कचरे को इकट्ठा करके रिसाइकलिंग का काम भी शुरू किया है, जिससे हुए मुनाफे से उन्होंने रियल एस्टेट कंपनी की शुरुआत की। इस तरह धीरे धीरे तरक्की करते हुए ये उस मुकाम पर पहुंच गए जहां हर कोई जाना चाहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।